गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमारा पति इतना शराबी है, सामान वामान सब चावल दाल को बेच बेच देता है। कहाँ है? लाए थे इधर, हमारे साथ जीत करके लाए, टीवी चैनल के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे और हमको छोड़कर वो चले गए। कहाँ? घर चले गए वापस, और हम यहीं ठहरे 4 दिन से हो गए। लो आपको यहाँ छोड़ के चले गए? हाँ। फिर तो नहीं, उसको यहाँ आने के बाद कुछ सुधार आ जाता है, ऐसे करके हम यहाँ तक आए टीवी चैनल देख देख के। आप तो वो चले गए? हाँ चले गए। तो घर का सामान बेच देते हैं? घर का सामान चावल वावल सब बेच, यहाँ तक पहनने का कपड़ा बेच देता है। अच्छा। इतना शराबी है, और शराब पीने के बाद बच्चे लोग को मारता पीटता है, आधा आधा रात को बक के जाते हैं। अभी 8 महीने किराया घर में रह रहे हैं, वहाँ भी जाके घुस घुस के मेरा चावल उठा ले ले बेच दे रहा है। तो बड़ा कष्ट है भाई, बताओ आप ही बताओ क्या समाधान होगा इसका। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, डर आगी वागी लगा देता है बिस्तर बिस्तर में सोने से नशा की हालत में। तो बच्चे लोग दो तो है, लड़का लड़का जो डर तो है। नशेड़ी जब शराब पी के आए ना तो एक तरफ बांध दिया करो दुष्ट को, वो टंगे बस चलाता है। गुरु जी हम रस्सी से शराब नशे में तो है ही, एक तरफ बांध दो पड़ा रहेगा, आग वाग तो नहीं लगाएगा। सब बोलते हैं सरपंच वरपंच वहाँ बोलते हैं कि मत रहो यहाँ, तुम निकल जाओ। तो हम वहाँ नौकरी करते हैं स्कूल में, बच्चे को तो काम। आप सरकारी हो? नहीं, सफाई कर्मी काम करते हैं स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ वो बोलता है कि हमारे साथ नहीं रहे तो हमारे गांव मत आओ। तो हम इस बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे जब वहाँ नहीं रहेंगे? बहुत समस्या है गुरु जी, हम आपके शरण में आए हैं, हमको आशीर्वाद दो कि हमको कष्ट झेलने की ताकत हो जाए। वाह, कष्ट इतना है कि झेलने की ताकत चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, जैसे भी करके बढ़ाना पड़ेगा ना इन लोग को। नहीं, इनको तो पढ़ाना ही है, पर उसको भी समझाओ तरीके से, जैसे माने वैसे समझाओ। कैसे मानेगा? सब प्रकार के थक गए गुरु जी, यहाँ तक के सरपंच मरपंच सब बोल दिए उसको घर में आके, वो समझे तो तैयार ही नहीं है। और यहाँ लाए थे उसको अर्जी विनती करके, चलो एक बार गुरु जी की शरण में जाएंगे, तो 2 दिन ठठरा, 3रा दिन तक भग गए वो। चलो अगली बार फिर ले आना जी गुरु जी। अभी इस बार 2 दिन ठहरा है, अगली बार 7-4 दिन ठहर जाए। ठीक है गुरु जी, आपका भगवान आपको सुखी रखें और आपको हर दुख से बचाएं, आशीर्वाद है। अच्छा, और किसका प्रश्न है? दो चश्मा वाले भैया को। महाराज जी राधे राधे। जी, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हाँ महाराज जी, हमारे ससुर 2012 में एक्सपायर हुए हैं, तो एक्सपायर होते समय हम वहाँ पे नहीं थे, तो हमारे स्वप्न में आते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, हमें डर लगता है ससुर से। हाँ, स्वप्न में आते हैं तो कुछ नहीं कहते। तो ऐसे डरा हो, ऐसे डरा ऐसे डराते हैं कैसे डराते हैं? अच्छा आपको बताओ, स्वप्न में जागते हुए जागे से हम डर लगते हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? और जब सोते हो तो डर नहीं लगता? तो ससुर जी आते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। हाँ। कुछ कहते नहीं है? नहीं। तो आप तो कहते हो डराते हैं तो हमें डर लगता है। अरे काहे का डर, वो तो आके चुपचाप खड़े हैं। तो हमें क्या करना चाहिए गुरु जी? अरे उनके नाम का गया जी में श्राद्ध करा दो, भागवत जी का पाठ करा दो, तो उनकी सदगति हो जाएगी। हम खेती करते हैं, हम जा नहीं पाते। कहाँ नहीं जा पाते? गया जी में। तो गया जी कोई सारी जिंदगी लिए बसने थोड़ी जाना है। अरे वहाँ तो 2-4 दिन के लिए जाते हैं, काम काम करके आ जाते हैं, भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं उनकी सदगति के लिए। हर पुत्र का धर्म है काम, इतना भी नहीं कि अपने कर्तव्य भूल जाओ। पति कहाँ आपके? ये सब पति का क्यों, आप क्यों नहीं करते अपना कर्तव्य, अपने बाप का पिंडदान क्यों नहीं करते? करेंगे। ऐसे नहीं करोगे तो सपने में आएंगे फिर? नहीं नहीं करेंगे ना। कब करोगे? कब करोगे? आगे करेंगे। करना, आगे करेंगे गुरु जी। करना, और ये संस्कार बच्चों को देना,
कि आप अपने सास ससुर का करो और आपके बच्चे फिर आपका करेंगे बाद में। हमारे बच्चों का आशीर्वाद देना गुरुजी। आशीर्वाद है। राधे राधे। जो कर्म है वो सबको करना चाहिए, हर पुत्र को अपने पिता का पिंडदान श्राद्ध तर्पण करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए।